नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ मखाना खाने के फायदों के बारे में। दोस्तों, अगर आप मखाना खाते हैं तो इससे आपको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है, जैसे डायबिटीज, किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या, पाचन तंत्र की समस्या, कमजोरी, गठिया इत्यादि रोगों से। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी मखाने के इस्तेमाल से आप किन सारी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं और किन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मखाने का इस्तेमाल नमकीन, मिठाई और खीर को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। बहुत से लोग इसे घी में भूनकर दूध के साथ मिलाकर भी खाते हैं, लेकिन इसका उपयोग ज्यादातर खीर और मिठाइयों के लिए होता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व से भरपूर होता है। इसमें हमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में लगभग सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और हमारा शरीर तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है। दोस्तों, ये हमारे शरीर को न केवल ताकत देता है, बल्कि इसमें मौजूद कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन और बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं, जो हमारे शरीर को बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा दिलाता है। अगर रोजाना हम नियमित रूप से मखाने का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हम छोटी मोटी परेशानियों से बहुत ही आसानी से लड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम रोजाना मखाना खाते हैं तो इससे हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज के खतरे से छुटकारा मिलता है। मखाना खट्टा और मीठा होता है, ये डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसकी मदद से हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमें डायबिटीज का खतरा नहीं रहता और बहुत जल्द ही डायबिटीज खत्म भी हो जाता है। यह हमारे शरीर में सैपलिन को डिटॉक्सिफाई करता है, जिसकी वजह से हमें किडनी की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। ये हमारी किडनी को हमेशा फिट एंड फाइन रखता है। अगर हम अपने डेली डाइट में मखाने को ऐड करते हैं तो इससे हमें किडनी की समस्या नहीं होती। दोस्तों, मखाना खाने से हमारी हड्डियों का दर्द यानी गठिया से भी छुटकारा मिलता है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, जैसे कमर में दर्द, घुटनों में दर्द या फिर कहीं भी दर्द है, तो आपको रोजाना मखाने का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप रोजाना अपने डेली डाइट में मखाने का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको शरीर के किसी भी दर्द से छुटकारा मिलता है और आपको गठिया जैसी बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है, वो भी बहुत जल्द। बढ़ती उम्र को भी रोकता है मखाना। अगर आप रोजाना मखाना का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बढ़ती उम्र के कारण आने वाली झुर्रियों को भी कम कर देता है। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे आई झुर्रियों, छाइयों से छुटकारा मिलता है। साथ ही यह आपके बालों को सफेद होने से भी रोकता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं या सफेद हो जाते हैं तो इसके लिए मखाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए आप रोजाना मखाने का इस्तेमाल जरूर करें। इतना ही नहीं, अगर आप रोजाना मखाने का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है और साथ ही आपको पेट से रिलेटेड सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती या फिर जो कमजोर हैं, उन्हें मखाने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मखाना खाने से आपकी भूख बढ़ती है और आप हर चीज को खाने में सफल रहते हैं और आपको कमजोरी भी नहीं होती। दस्त या पैचिस होने पर मखाना को देसी घी में भूनकर खाना चाहिए। ऐसा करने से दस्त या पैचिस रुक जाता है और आप बहुत जल्द स्वस्थ भी हो जाते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती, आपको टेंशन होता है, आप तनाव से ग्रस्त हैं या हाइपरटेंशन के शिकार हैं, तो इसके लिए आपको मखाने का इस्तेमाल रोजाना करना चाहिए। इसके लिए आप रात में गर्म दूध के साथ मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको भरपूर नींद आएगी, आप तनाव से छुटकारा पाएंगे और हाइपरटेंशन के शिकार नहीं बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको तनाव होता है या कमजोरी होती है तो इसके लिए मखाना बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे आपके तनाव खत्म हो जाती है और कमजोरी भी दूर हो जाती है। इसके रेगुलर यूज से आप हष्ट पुष्ट होते हैं और साथ ही स्वस्थ रहते हैं। ये दिल के बीमारियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है।
इसमें एक एस्ट्रोजन नाम का गुण होता है जो हमारे दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह हमारे दिल की धमनियों को स्वस्थ करके दिल को अच्छी तरह काम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हम लंबे समय तक स्वस्थ और निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के मसल को बनाने और हमें फिट रखने में मदद करता है। अगर हमें किसी भी अंग में सूजन होता है या फिर कोई अंग सुन्न हो जाता है तो इसके लिए भी मखाना हमारी बहुत मदद करता है। इसके लिए हमें रोजाना मखाने का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से हमें सुन्नपन से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को भी अगर मखाने का इस्तेमाल कराया जाए तो इससे न केवल गर्भवती महिला की समस्या दूर होती है बल्कि आने वाली संतान भी हष्टपुष्ट होती है। डिलीवरी के बाद भी अगर महिला को मखाने का इस्तेमाल कराया जाए या फिर स्तनपान कराने वाली महिला को मखाने का इस्तेमाल कराया जाए तो इससे उन्हें स्तनपान कराने में समस्या नहीं होती और साथ ही वो बहुत जल्द स्वस्थ भी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में जलन होती है तो इसके लिए आप दूध के साथ मखाने का इस्तेमाल करें। इससे आपके शरीर की जलन खत्म हो जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो देखा दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो मखाने खाने के फायदे के बारे में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप आज से ही मखाने के उपयोग से इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।